यार मेरी बात मानोगे जब मैं आपको बोलूंगा कि आपके फोन के अंदर एक बैरूपिया बैठा है? मैं सच बोल रहा हूँ। एंड लेट मी टेल यू इन दिस रील, अब इंडियन मार्केट के अंदर पिछले 5 साल में बहुत सारे बजट फोन आए हैं एंड बहुत मिड सेगमेंट फोन आए हैं, बट इनके अंदर जो प्रोसेसर है वो एक ही है। स्नैपड्रैगन और मोबाइल कंपनियां आपको ऐसे ही ठग रही है। मैं आपको समझाता हूँ इसका एक एग्जांपल देके। स्नैपड्रैगन का बेस्ट सेलिंग प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 जो इंडियन मार्केट में मिड सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन 2019, सो स्नैपड्रैगन ने क्या किया, सेम प्रोसेसर इंडियन मार्केट में अलग अलग नाम से लॉन्च करना चालू कर दिया। अब ये जो 695 था इसको उन्होंने 3 बार रिब्रांड किया, एक बार 4 Gen 1, एक बार 6 Gen 1, एक बार 6 Gen 1S। आप बोलोगे कि इनके तो नाम चेंज है तो इनके स्पेसिफिकेशन भी चेंज होंगे? नहीं, इनके अंदर जो एक मेजर डिफरेंस था वो था सिर्फ इनकी क्लॉक स्पीड्स का। किसी प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड 0.1 GHz से बढ़ा दी है तो किसी में इन्होंने कम कर दी है, बट ये लोग बेस तो सेम ही सेगमेंट पे रहे हैं और सेम प्राइसिंग पे, और कभी कभी तो हद कर दी इन्होंने कि सेम प्रोसेसर एक हायर एंड फोन के अंदर बेच रहे हैं हायर प्राइस रेंज पे। अब आप बोलोगे इससे अच्छा तो हम मीडियाटेक के प्रोसेसर ले लें, बट मीडियाटेक भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। मीडियाटेक भी ये चीजें काफी दिनों से करता आ रहा है। मीडियाटेक का एक प्रोसेसर है डायमेंसिटी 700। अब ये प्रोसेसर मार्केट में अनेक बार रिलॉन्च हो चुका है अलग अलग नामों से, कभी 800, कभी 900, कभी 7300 पावर, ऐसे अलग अलग नाम से आपको सेम प्रोसेसर चेप दिया जा रहा है स्मार्टफोन कंपनीज और प्रोसेसर मेकर्स के थ्रू। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरा इलैबोरेटेड वीडियो देखना है तो आप मिस्टर टेकपीडिया की ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अगर आपको चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई करके ना जाओ फोन खरीदते वक्त, सो यू कैन फॉलो आर पेज टू एंड फ्रो टेक फॉर सच अमेजिंग अपडेट्स।